हेलो स्टूडेंट, अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो ये जो एक एक्टिविटी चल रही है, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा जो एडवांस स्टडी के टॉपिक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जस्ट एक मतलब एफर्ट्स है टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स एंड टू गेट फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड इन दिस डिस्ट्रिक्शन। तो हमने जैसे फर्स्ट वीडियो के अंदर ड्रग्स देखे, फिर उसके कुछ कुछ पार्ट्स तो आपने और देखे होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा सा पार्ट था। और छोटे 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 ब्रेक्स लेकर के अगर हम करेंगे तो अच्छी तरीके से ये रिवाइज हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इन टॉपिक्स को हम नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री है। ठीक है, लर्निंग वाले बहुत सारे हैं ऐसे कह सकते हो। तो ड्रग्स वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है, वो आपने देखा होगा, आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा से आई होप। फिर सेकंड पार्ट जो था हमारा था केमिस्ट्री केमिकल्स इन फूड, और थर्ड पार्ट जो है वो क्लींजिंग एजेंट से रिलेटेड है, जिसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली क्लींजिंग एजेंट्स। तो क्लींजिंग एजेंट्स जो है, आप जानते हो कि सोप्स और डिटर्जेंट्स दो इंपॉर्टेंट टाइप की कैटेगरीज हैं क्लींजिंग एजेंट्स के। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स यूज एज क्लींजिंग एजेंट्स। तो एक तो हमारा सोप जो है वो भी एक क्लींजिंग एजेंट है, डिटर्जेंट है, और सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है वो क्लींजिंग एजेंट्स और डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सो सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स। दीज एजेंट्स बेसिकली इंप्रूव क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। दीज सब्सटेंसेज हेल्प in removal of fats which bind together, which bind other materials to the fabric or skin. So these cleansing agents help in removal of these substances from skin and fabric. So इसमें पहले हम डिस्कस करते हैं soaps जो है वो किस टाइप के हैं। So soaps are the sodium or potassium salts of long chain fatty acids. इसमें जो important long chain fatty acids हम use करते हैं वो stearic acid है, oleic acid है, पामिटिक एसिड्स है। तो इनके स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड्स के जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, इनको हम सोप्स की तरह यूज करते हैं। नाउ सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग दीज सब्सटेंसेस फैटी एसिड्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैटी एसिड्स ग्लिसरल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली ग्लिसरल एस्टर्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आने में हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, एक ग्लिसरॉल बनेगा और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज सेफोनिफिकेशन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे पास में एक ग्लिसरल एस्टर है फैटी एसिड का, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट करेंगे तो ये रिएक्शन सेफोनिफिकेशन होगा। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द सोप ऑब्टेन रिमेन इन कोलाइडल फॉर्म। अब धीरे 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 ये कोलाइडल फॉर्म में जो सोप बना है वो प्रेसिपिटेट आउट होकर के अलग हो जाएगा। तो इस कोलाइड को हमें डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा तभी ये प्रेसिपिटेट आउट होगा, कॉगुलेट होगा। सो इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। तो ये जो हमारे पास में ग्लिसरल एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम हीट करेंगे तो एक कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। इस कोलाइडल सोल्यूशन को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, दैट इज द सोप। तो यहां पे ये एक कोगुलेटिंग एजेंट हमने ऐड किया, दैट इज द सोडियम क्लोराइड। द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, एंड दिस ग्लिसरॉल कैन बी रिकवर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और मोस्टली ये सिंपल सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, यहां पे हमें करना होगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, क्योंकि जो ग्लिसरॉल ऑब्टेंड हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो उतने हाई टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसलिए इसको डिस्टिल्ड करने के लिए हमें डिस्टिलेशन करना होगा अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओनली सोडियम एंड पोटेशियम सोप्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड आर यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पजेस। ऐसा नहीं कि आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी यूज कर सकते हो सोप्स की तरह, नहीं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं और उन्हीं को सोप्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। जनरली पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन देन सोडियम सोप्स। तो ये जो है पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट में डिफरेंस होता है।
जो बाथिंग सोप है इसको बेसिकली पोटेशियम सॉल्ट्स की तरह यूज करेंगे. सो जनरली पोटेशियम सॉप्स आर सॉफ्ट टू द स्किन. ये जो हमने एक एस्टिफिकेशन रिएक्शन देखा है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन देखा, वो इस टाइप की रिएक्शन दिखेगी. ये ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड है, एक फैट की तरह यूज होगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको जब हम मिक्स कर देंगे तो सोडियम स्टीरेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और ये ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन ऑब्टेंड हो जाएगा. अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोप्स जो है वो क्या होते हैं. सो बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट्स और ऑयल्स विद सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स. वेरिएशंस आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स. तो पहली कैटेगरी हमारी है टॉयलेट सोप्स. दीज सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस ऑफ एल्कली बिकॉज एल्कली इज कोरोसिव इन नेचर. कलर एंड परफ्यूम्स आर ऑल्सो एडेड टू मेक दीज मोर अट्रैक्टिव. सेकेंड कैटेगरी जो है सोप्स दैट फ्लोट. दीज टाइप ऑफ सोप्स विच फ्लोट्स इन वाटर आर मेड बाई बीटिंग टाइनी एयर बबल्स बिफोर देयर हार्डनिंग. प्रेसिपिटेट होने से पहले इसमें एयर ब्लो करेंगे तो उससे जो सोप्स दैट फ्लोट, फ्लोटिंग सोप्स बन जाएगा. ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाई डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवोपरेटिंग द एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट. मेडिकेटेड सोप्स आर द सब्सटेंसेज हैविंग सम मेडिसिनल वैल्यू एडेड इन द सोप्स. सेविंग सोप्स कंटेन ग्लिसरॉल. एक इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस आ गया यहाँ पे. सेविंग सोप्स कंटेन ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग. तो ये पूछा जा सकता है कि वॉट इज द पर्पज ऑफ ग्लिसरॉल इन सेविंग सोप्स टू प्रिवेंट दैट ड्राइंग, रैपिड ड्राइंग. ए गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड वाइल मेकिंग दैम. इट फॉर्म सोडियम रोजिनेट विच लेदर्स वेल. लॉन्ड्री सोप्स कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सेलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट. सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू अ कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप्स इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस. सोप ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स. सोप पाउडर्स एंड स्कोरिंग सोप्स कंटेन सम सोप स्कोरिंग एजेंट एब्रेसिव बेसिकली सच एज पाउडर प्यूमाइस और फाइनली डिवाइडेड सैंड एंड बिल्डर्स लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राई सोडियम फॉस्फेट. नाउ क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप, सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर पढ़ा है. जस्ट एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ कि ये हमारे पास में कोई एक सरफेस है जिसपे यहाँ पे डर्ट जो है, ग्रीस और डर्ट वगैरह प्रेजेंट है. जो सोप मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जब आएंगे तो सोप मॉलिक्यूल के पास एक हाइड्रोफिलिक एंड होगा, एक हाइड्रोफोबिक एंड होगा. ये ग्रीस और डर्ट पार्टिकल जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड से इसके कांटेक्ट में आने लगेंगे डर्ट और ग्रीस के अराउंड और उसको ये इस टाइप से हाइड्रोफोबिक एंड से उसको सराउंड कर लेंगे और इसको सराउंड करके ये एक ऐसे मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर मिसल्स जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो सरफेस से ये डर्ट और ग्रीस का पार्ट जो है वो रिमूव हो गया. तो हाइड्रोफोबिक एंड होगा और हाइड्रोफिलिक एंड होगा. हाइड्रोफोबिक एंड कोई एक हाइड्रोकार्बन चेन टाइप का होगा और हाइड्रोफिलिक जो है वो कोई एक पोलर पार्ट होगा. पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या कोई हिट्रो एटम कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है. नाउ हार्ड वाटर you know that contains sodium and calcium ions. Soluble chlorides, soluble bicarbonates of calcium and magnesium are responsible for hardness in water. So these calcium and magnesium ions form insoluble calcium and magnesium soaps when sodium and potassium soaps are dissolved in hard water. तो ये जो हमारे पास में सोडियम और पोटेशियम सोप्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कांटेक्ट में आएंगे हार्ड वाटर में तो कैल्शियम सोप और मैग्नीशियम सोप्स बन जाएंगे और ये प्रेसिपिटेट की तरह जो है सेटल हो जाते हैं. दीज इनसॉल्युबल सोप्स सेपरेट एज स्कम इन वाटर एंड आर यूजलेस एज क्लिंजिंग एजेंट. तो ये इस टाइप की एक रिएक्शन हो जाती है. इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि एक स्कम की तरह, प्रेसिपिटेट की तरह सेपरेट. और कुछ केसेज में ये तो मतलब जो फैब्रिक है उस पर स्टिक भी हो जाता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो क्या होते हैं. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लिंजिंग एजेंट विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप. सोप का मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो है नहीं होंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के. दीज कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एज वेल एज इन हार्ड वाटर
ये एक एडवांटेज है डिटर्जेंट का, बिकॉज डिटर्जेंट्स गिव फोम इवन इन हार्ड वाटर, सम ऑफ द डिटर्जेंट्स गिव फोम इवन इन आइस कोल्ड वाटर. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज. पहली कैटेगरी होगी कि ये एनाइनिक डिटर्जेंट्स होगा, मतलब जो पोलर एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है, वो किस टाइप का है. तो नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम एनाइनिक डिटर्जेंट्स कह देंगे. ये पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो इसको हम कैटाइनिक डिटर्जेंट्स कहेंगे. और अगर ये कोई कैटाइनिक या एनाइनिक फॉर्म में नहीं है, जस्ट कोई एक हिट्रो एटम टाइप का है, तो इसको नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं एनाइनिक डिटर्जेंट्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है. सो एनाइनिक डिटर्जेंट्स आर बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन. मीन्स जो सोप्स हैं बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है. बट एनाइनिक डिटर्जेंट्स जो है बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स. अब ये किसी एक हाइड्रोकार्बन सल्फोनिक एसिड हो सकता है या एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स हो का सोडियम सॉल्ट हो सकता है. सो एनाइनिक डिटर्जेंट्स, इन एनाइनिक डिटर्जेंट्स द एनाइनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन क्लींजिंग एक्शन. तो ये हमने एक लॉरियल एल्कोहल लिया, लॉन्ग चेन एल्कोहल ले लिया, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया. अब इस लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम लॉरियल सल्फेट बन जाएगा. तो देखिए ये एक सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट नहीं है, ये सल्फोनेट का सोडियम सॉल्ट है, सल्फेट का सोडियम सॉल्ट है, एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट टाइप के कंपाउंड का सोडियम सॉल्ट है. तो लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम सॉल्ट जो है एनायनिक डिटर्जेंट है. अगर हम ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं और उसका सल्फोनेशन कर देते हैं, तो ये एक हमारे पास में बेंजीन सल्फोनिक एसिड टाइप का डेरिवेटिव बन गया. इसका सोडियम सॉल्ट अगर हम देखेंगे तो ये सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट बन गया, एनायनिक डिटर्जेंट का रोल प्ले करेंगे. कैटाइनिक डिटर्जेंट्स के अंदर कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन्स विथ एसिटेट क्लोराइड और ब्रोमाइड एज एनायन. तो एक क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा, अमोनियम आयन के जो चार आर एच हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको आप एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो और ये एल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन पार्ट्स होंगे. एनायन इनके अंदर एसिटेट हो सकता है या क्लोराइड हो सकता है या ब्रोमाइड हो सकता है. तो ये हमारे पास में सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर कैटाइनिक डिटर्जेंट एंड इज यूज इन हेयर कंडीशनर्स. कैटाइनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड आर एक्सपेंसिव कम्पेयर टू एनायनिक डिटर्जेंट्स. ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज. तो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड आर एक्सपेंसिव, देयरफॉर दीज आर ऑफ लिमिटेड यूज. तो ये जो है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स के अंदर जो है वो कोई कैटाइनिक और एनायनिक पार्ट नहीं होगा. सो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट्स विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्म नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स. तो ये लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन आयोनिक टाइप के होते हैं. मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज सेम एज दैट ऑफ सोप्स. मतलब इसके अंदर भी एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा. तो ये स्टेरिक एसिड ले लिया हमने और इस स्टेरिक एसिड को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हमने रिएक्ट करा दिया. तो यहाँ पे बेसिकली एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो एस्टर ग्रुप जो हमारे पास में आ गया और बिल्कुल टर्मिनल पोजिशन पे देखेंगे तो एक OH ग्रुप आ गया. तो OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक टाइप का हो गया और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक टाइप का हो जाएगा. तो अगेन ये जो हमने सोप्स और डिटर्जेंट्स के जो तीन टाइप्स देखे इनका वापस से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो ये सोप है, सोप आर बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो एक एनायनिक पार्ट होगा और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की तरह रहेगा. नाउ एनायनिक डिटर्जेंट्स को अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास में सोप के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है उसको सल्फोनिक ग्रुप के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं या सल्फेट ग्रुप के अंदर अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये एक एनायनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आ जाएगा. कैटाइनिक डिटर्जेंट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास में क्वार्टरनरी अमोनियम पार्ट हमें यहाँ पे ऐड करेंगे तो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स की तरह दिखाई देगा. ये
तो ये जैसे मैंने बताया था कि OH वाला जो पार्ट होगा वो हमारा पोलर हेड ग्रुप हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक टाइप का हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टाइप का जो है, हाइड्रोफोबिक टाइप का पार्ट हो जाएगा। तो ये सोप का और तीन टाइप जो डिटर्जेंट्स हैं उनका कंपेरिजन। लेकिन ये जो हम डिटर्जेंट्स वगैरह जो यूज करते हैं इनके साथ जो मेन प्रॉब्लम है दैट अपियर्स इन देयर यूज इज देयर हाइड्रोकार्बन चेन इज हाईली ब्रांच्ड, देन बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड दिस इजीली एंड रिजल्ट्स इन वाटर पोल्यूशन। सो मेन प्रॉब्लम दैट अपियर्स इन द यूज ऑफ डिटर्जेंट्स इज दैट इफ देयर हाइड्रोकार्बन चेन इज हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन अगर हो जाएगी तो फिर बैक्टीरिया जो है इनको डिग्रेड नहीं कर सकता है, और वो वाटर पॉल्यूशन के अंदर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो अनब्रांच चेन कैन बी बायोडिग्रेडेड मोर इजीली एंड हेंस पॉल्यूशन इज प्रिवेंटेड। तो हमें अगर कोई क्वेश्चन मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट इज मोर बायोडिग्रेडेबल, तो जिसमें लेस ब्रांचिंग होगी वो मोर बायोडिग्रेडेबल होगा। सो अनब्रांच्ड चेन कैन बी बायोडिग्रेडेड मोर इजीली, अनब्रांच्ड चेन कैन बी बायोडिग्रेडेड मोर इजीली एंड हेंस पॉल्यूशन इज प्रिवेंटेड। तो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन चेन नहीं होना चाहिए। सो अब हम देख लेते हैं कि ये जो भी हमने ड्रग्स का पार्ट देखा है, हमने जो केमिकल्स इन फूड्स देखा है और ये क्लिंजिंग एक्शन देखा है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस जो है मैं वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में दिखाई दिए। तो एक पहला तो वेल नोन क्वेश्चन है, ये कंपाउंड गिवन है इज यूज्ड एज, तो ये तो एस्प्रिन है, तो ये एंटीसेप्टिक की सॉरी एनाल्जेसिक की तरह यूज़ हो रहा है, एंटीपायरेटिक की तरह यूज़ होता है, और एंटीकोगुलेटिंग एजेंट्स की तरह यूज़ होता है, ब्लड को थिन कर देता है, एंटी क्लोटिंग एजेंट बेसिकली। तो यहाँ पे बेस्ट चॉइस जो है वो एनाल्जेसिक हो जाएगा। तो ये JEE 2002 के अंदर, JEE 2002 नहीं होगा, पहले AI EEE होता था, तो ये 2012 एंड ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे 2002 मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये 2005 के अंदर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेस फीवर, तो ये बेसिकली एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर रेस्पॉन्सिबल टू लोअर डाउन बॉडी टेम्परेचर। 2012 के अंदर ये क्वेश्चन है, एस्प्रिन इज नॉन एज, तो देखिए एस्प्रिन बड़ा इंपॉर्टेंट वेल नोन कंपाउंड है, तो एस्प्रिन बेसिकली एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। JEE Main 2015 के अंदर फिर ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज एज इंसेक्टिसाइड, एंटी हिस्टामिन, एनाल्जेसिक एंड एंटा एसिड, तो ये एनाल्जेसिक है। फिर 2015 के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन के अलग अलग पेपर के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो सेम क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के पेपर्स हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है, सिमेटिडीन एक एंटासिड है, फिनेलजीन एंटासिड नहीं है, और रेनिटिडीन एक एंटासिड है, तो ये हमने पहले भी किया था। सो फिनेलजीन इज नॉट एन एंटासिड। ये JEE Main 2015 में फिर एक जैसे ऑनलाइन के दो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, है ना, डे वन डे टू, कुछ कुछ अलग टाइप से। सो विच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन्स क्लोरीन, सुक्रालोज, सो एस्पार्टेम में क्लोरीन नहीं है, सेक्रिन में सल्फर है, क्लोरीन नहीं है, सुक्रालोज में क्लोरीन है, एलिटेम में सल्फर है। तो विच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन्स क्लोरीन क्वेश्चन आया, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन्स सल्फर, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को आपको चेक करना है। JEE Main 2016 के अंदर है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन सुगर इज एलिटेम। JEE Main 2016 के अंदर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक, तो ये एक हमने लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट को आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन उस पर बेस्ड आया हुआ है। रिथ्रोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, क्लोरा एम्फेनिकॉल बैक्टीरियोस्टैटिक है, ऑफ्लेक्सेसिन जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है। JEE Main 2017 के अंदर एक क्वेश्चन है, द रीजन फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग, ठीक है, ड्रग एक पॉइजन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंडिंग रिवर्सिबली एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, bringing conformational change in the binding site of enzyme, binding irreversibly to the active site of the enzyme, binding at the allosteric site of the enzyme, मतलब जो poison है वो substrate के साथ compete करेगा और वहाँ जा करके attach हो जाएगा, तो कुछ effects उसका हमें दिखा। तो ये just आप check करिए textbook में क्या है।
फिर ये जेई मेन 2018 के अंदर एक क्वेश्चन है, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम्स ऑफ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू इज, तो लिस्ट वन में है फेनिलजीन, क्लोरा क्लोरोजाइलिनॉन, यूरासिल एंड रेमिटिडीन. तो यूरासिल तो ये बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड हो गया, बाकी तीनों इसी चैप्टर से रिलेटेड है. पाइरिमिडीन, फ्यूरेन, हाइड्राजीन एंड फिनोलिन के अंदर जो एक यूनिक टाइप का ग्रुप है उस पर बेस्ड है. तो देखिए फिनलजीन एक हाइड्राजीन डेरिवेटिव है, उसमें NH2 है, जैसे मैंने बताया था कि एक फिनाइल ग्रुप लेना है, फिर उस पर एक इथाइल ग्रुप लगाना है और फिर इससे हाइड्राजीन ग्रुप अटैच कर देना है, तो वो फेनिलजीन बन जाता है. क्लोरोजाइलिनॉल एक जाइलिन का, जो मेटाजाइलिन है उसका फिनोलिक डेरिवेटिव है, तो ये ए के अंदर जो है आर आएगा, बी के अंदर जो है वो एस आएगा. यूरासिल जो है वो पाइरिमिडीन टाइप का बेस है और रेमिटिडीन के अंदर फ्यूरेन रिंग होती है, फ्यूरेन रिंग होती है. तो ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा हमारा. नाउ ये 9 जनवरी 2019 एनटीए जेई मेन जो एग्जाम हुआ था उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, करेक्ट मैच बिटवीन आइटम वन एंड आइटम टू जो है, ये अगेन देखो क्लोरोजाइलिनॉल आ गया है ना, तो क्लोरोजाइलिनॉल के अंदर एक फिनोलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बिल अमीन टेस्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कर रहा है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर रहा है, बियर्स टेस्ट कर रहा है, तो ये क्लोरोजाइलिनॉल के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाएगा. तो ये ए में डेफिनेटली आर होगा. तो अब ए में देखेंगे तो आर दो ऑप्शंस में गिवन है. नाउ नॉर्थ हिंड्रॉन एज आई टोल्ड यू किसमें ऑन दिखाई दे रहा है, तो वो एक कीटोनिक ग्रुप के लिए इंडिकेट कर रहा है. नॉर्थ हिंड्रॉन के अंदर एक टर्मिनल एल्काइन ग्रुप भी होगा, नॉर्थ हिंड्रॉन के अंदर एक डबल बॉन्ड भी होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, तो वो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी शो कर सकता है. सल्फा पाइरिडीन के अंदर जैसे मैंने बताया था बेंजीन रिंग होगा, उसमें एक NH2 होगा और सल्फेनामाइड ग्रुप होगा, तो ये कार्बिल अमीन टेस्ट जो है वो शो करेंगे. और पेनिसिलिन के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करेगा, पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा. तो ये जस्ट आप देख सकते हैं, कहीं से भी चेक कर सकते हो. जैसे डी के अंदर भी दो ऑप्शन है, डी के अंदर डेफिनेटली हम कहेंगे क्यू होगा और ए में डेफिनेटली आर होगा. तो डी में क्यू और ए में आर, डी में क्यू और ए में आर, ये हमें नजर आ रहा है 1 और 4 में. तो अब बीच में जैसे बी को देखेंगे तो ये एस मिल जाएगा, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा. फिर 11 जनवरी 2019 का जो जेई मेंस एनटीए जेई मेंस एग्जाम हुआ उसकी इवनिंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम वन एंड आइटम टू इज, सो एलोस्टेरिक इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, रिसेप्टर और पॉइजन, ये चार पार्ट्स गिवन है. मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है ना, ये हमारा एक कॉम्पिटिटिव मॉलिक्यूल, क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन द बॉडी रिसेप्टर हो गया, मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एंजाइम कोवेलेंटली, तो वो पॉइजन का मतलब कंप्लीटली अटैच हो जाएगा उसके अंदर. तो इसको कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है आपका क्या होगा. तो ये सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं. 11 जनवरी 2019 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एक और इसी टाइप का क्वेश्चन जो आया हुआ है, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम वन एंड आइटम टू इज, सो नॉर्थ हिंड्रॉन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड इक्वेनिल. तो देखिए ये क्या है, नॉर्थ हिंड्रॉन जो है एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है और एफ्लोसासिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है और इक्वेनिल जो है वो एक ट्रैंक्यूलाइजर है, हाइपरटेंशन ड्रग. तो ये ए के अंदर हम कहेंगे क्यू होगा और बी के अंदर जो है पी होगा, तो ए क्यू बी एन पी और सी जो है वो आर हो जाएगा. तो ये ऐसे इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं. तो ये हमारा जो है सेशन इस टाइप से कंप्लीट हो गया. सो आई होप आपको जो है वो ये एक्टिविटी जो है ठीक लगी होगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनटीए जेई मेंस अप्रैल 2019 एग्जामिनेशंस.